हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के क्लास में 14 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है? तो ये जो अधिसूचित किया गया है, ये किया गया आपका इसमें तमिलनाडु राज्य में। इसका डिटेल देख लेते हैं, है ना। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के करूर और डिंडीगुल जिलों में लुप्त प्राय सिलेंडर लॉरिस, जो आप चित्र देख रहे हैं इसको, के लिए पहले भारतीय ब्रांड को अधिसूचित किया गया है। करूर और डिंडीगुल जिलों के वन क्षेत्रों में कुल 11,806 हेक्टेयर को मिलाकर कडावर स्लेरिस लोरिस अभयारण्य बनाया जाएगा। सिलेंडर लोरिस को वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची के तहत भी संरक्षित किया जाता है। तो इसको संरक्षण के लिए अलग से बना दिया जाए अभयारण्य। तमिलनाडु की बात करें, यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, एक सदनीय विधानमंडल है यहाँ पे, जिसमें विधानसभा सीटें कितनी है 234, लोकसभा सीटें 39 है, राज्यसभा सीटें कितनी है 18 है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। और ये आपका मैप देख रहे हैं तमिलनाडु का है। अगर इंडिया के मैप में देखें हम लोग, तो तमिलनाडु यहाँ पे आता है, दक्षिण में आता है, और इसके आसपास के राज्यों में केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आता है। पुदुचेरी इसका केंद्र शासित प्रदेश से टच होता ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका प्रस्थान। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारतीय नौसेना ने 12 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा के अपतटीय विकास क्षेत्र यानी ओडीए में प्रस्थान नामक एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आयोजित यह अभ्यास हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है। इसका समन्वय भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है, और इसमें तेल और गैस ऑपरेटरों, राज्य समुद्री पुलिस और भारतीय तटरक्षक बल सहित समुद्री क्षेत्र के सभी हितधारक इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आईआईपीए के 111 नए सदस्यों को मंजूरी प्रदान किया है? ये कि आपका जितेंद्र सिंह जी ने। इसका डिटेल देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आईआईपीए ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने 12 अक्टूबर 2022 को आईआईपीए के 111 नए सदस्यों को मंजूरी दी है। इसमें केंद्र में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत 9 नवनियुक्त आईएएस अधिकारी भी शामिल है। इसमें इसकी सदस्यता केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए आरक्षित थी। आईपीए की स्थापना जो है 1954 में हुआ है, और इसके अध्यक्ष कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है आपको कमलप्रीत कौर पे लगाया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो डिस्कस थ्रोअर कमल प्रीत कौर को एथलेटिक्स से इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोल जोलोल का उपयोग करने के लिए 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। कमल प्रीत ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में 63 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ छठा स्थान हासिल किया था, और कौर 2022 में एआईयू द्वारा निलंबित होने वाली तीसरी भारतीय एथलीट है। इससे पहले धाविका धनलक्ष्मी और डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लो को भी निलंबित किया गया था। हाल ही में किस देश ने पहली सौर वेधशाला क्वाफो फर्स्ट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया चीन ने। इसके डिटेल देखते हैं। तो चीन ने 9 अक्टूबर 2022 को अपना पहला व्यापक अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला एएसओ इसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। क्वाफो फर्स्ट नाम वेधशाला ये अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र जैसे कोरोनल मास इंजेक्शन का कारण बनता है। भारत में भी सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए 2023 तक आदित्य L1 नामक एक ऐसा ही मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो हाल ही में मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दिया है पीएम डिवाइन योजना। इसका डिटेल देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए एक नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के विकास पे पीएम डिवाइन को मंजूरी दी है। इस योजना में 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसमें 100% केंद्रीय वित्त पोषण मिलेगा और इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। हाल ही में गुजरात में संपन्न होने वाले राष्ट्रीय खेलों का क्रम क्या है? तो यह हो जाएगा 36वां। इसका डिटेल देखते हैं। तो 12 अक्टूबर को गुजरात के सूरत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में एक समापन समारोह के साथ 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ। इसमें 61 स्वर्ण पदकों के साथ कुल
कुल 128 पदकों के साथ सर्विसेज यानी सेना जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रही, जबकि महाराष्ट्र 40 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हर्षिका रामचंद्रन ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और साजन प्रकाश ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। ये ध्यान रखेगा पूरा आप, है ना, अच्छे से इसको पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व दृष्टि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, और विश्व दृष्टि दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2022 में यह 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिवस को दृष्टिहानि और अंधेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के इरादे से मनाया जाता है। यह मूल रूप से 2000 में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के साइट फर्स्ट कैंपेन द्वारा शुरू किया गया था। 2022 की थीम है लव योर आइस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में कितनी नई जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? ये किया गया 2। इसका डिटेल देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2022 में चंबा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखा। इन परियोजनाओं में सालाना 270 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत का उत्पादन होगा और हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने ऊना से नई दिल्ली के लिए वंदे मातरम एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई है। आप लोग जो लोग अभी ध्यान रखिएगा, एक मेरा अदर चैनल भी है इंडियन इनसाइट 27, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर के शॉर्ट्स डेली अपलोड होते हैं, तो भी आपको तुरंत याद हो जाएगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडियन इनसाइट 27 चैनल का नाम है। अब हम बात करें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा सीटें 68 है। राज्यसभा सीटें 3। लोकसभा सीटें कितनी है? 4 है। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का मैप है। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी इसका शिमला है। हाल ही में संपन्न होने वाले इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व चैंपियन शॉर्ट गन में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? ये हासिल किया है 5वां, और इसके डिटेल देखते हैं तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियन शॉर्ट गन में भारत क्रोशिया के ओसिजेक में एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक, दो कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा। इटली, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए शीर्ष 3 स्थान पर रहे। पुरुष इसकी टीम में भारत के गुरजोत खंगुरा, मेराज अहमद और उन्नत जीत सिंह नरुका को 22 टीमों में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह डेली करंट अफेयर वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है, तो आप लोग उसको पीडीएफ भी डाउनलोड जरूर किया करें। टेलीग्राम में पीडीएफ दिया गया रहता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको वहाँ पे कोई समस्या जाती है, नहीं डाउनलोड कर पाते हैं, तो आप 9630828149 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, तो यहाँ भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज शेयर जरूर करें इसको।